हेलो गाइस, ये जो ब्यूटी देख रहे हैं, ये है लवासा की ब्यूटीफुल व्यूज। तो आप लोगों को टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम जा रहे हैं लवासा। बहुत ही लॉन्ग टाइम के बाद हमने ये रोड ट्रिप प्लान किया है। तो लवासा कैसे जा सकते हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा और आइए मेरे साथ घूमिए लवासा। सो लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक टू फैशन ट्रेन। मैं हूँ शीतल। तो आइए चलते हैं लवासा। लवासा महाराष्ट्र में है और मुंबई से लवासा का डिस्टेंस 190 किलोमीटर है और पुणे से अराउंड 60 किलोमीटर है। तो हम लवासा मुंबई से जा रहे हैं और रास्ते में हम कहां कहां रुके वो भी आपको इस वीडियो में बताते जाएंगे। सबसे पहले हमने खालापुर टोल के बाद आने वाला फूड कोर्ट में हमने ब्रेक लिया, जहां पर हमने वड़ा पाव, मिसल पाव, इडली सांभर वगैरह वगैरह खाया। लवासा आप आराम से ही जाए क्योंकि रास्ते की ब्यूटीफुल व्यू को एंजॉय करें और थोड़ा रुक रुक के जाए और थोड़ा खाते पीते हुए जाए। टैमगर डैम। टैमगर डैम जो महाराष्ट्र के पुणे डिस्ट्रिक्ट में मुलसी के पास मुठ्ठा नदी पर बनाया हुआ एक डैम है। यहाँ की ब्यूटीफुल व्यूज टूरिस्ट को बहुत ही लुभाती है, इसीलिए एक आकर्षण का केंद्र है और विजिटर यहाँ रुककर अपनी फोटो क्लिक करते हैं। लवासा में हम पहुँच चुके हैं और पहुँचते ही आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा और लवासा में एंट्री करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। टू व्हीलर के 200 रुपीस, फोर व्हीलर के 500 रुपीस और हैवी व्हीकल के 1000 रुपीस आपको चार्ज करना पड़ेगा। ये वन टाइम पेमेंट होती है। लवासा में एंट्री करते ही आपको कई सारे लग्जरी बंगले दिखाई देंगे। लवासा एक प्राइवेट और प्लान सिटी है और ये इटली के पोर्टोफिनो टाउन के बेस पर बनाया गया है और यहाँ के कई स्ट्रीट और बिल्डिंग्स के नाम भी पोर्टोफिनो टाउन के अकॉर्डिंग ही रखे गए हैं। हमें लवासा पहुंचते हुए दोपहर हो गई थी और लंच का टाइम भी हो गया था, तो हमने एकांत रिट्रीट व्यंजन रेस्टोरेंट में लंच लिया। वहां का फूड बहुत ही अच्छा था। जहां हमने लंच किया वहां से लवासा के लेक का बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू दिख रहा था और वहां से ही पूरा लवासा सिटी का व्यू भी बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था।
तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारे लेक व्यू कॉटेज में, जो हमने एयरबीएनबी से बुक करवाया था। यहाँ का एक दिन का चार्ज था 15,000 रुपीस और ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का हमने अलग से पे किया था। विला के ओनर ने हमारा वेलकम बहुत अच्छे से किया था और उसने वेलकम ड्रिंक में हर्बल टी सर्व की थी। विला के अंदर बारबेक्यू भी अवेलेबल था और बाहर बैठने के लिए झूला, टेबल और चेयर भी थी। अब मैं आ चुकी हूँ विला के अंदर, जहाँ लिविंग रूम, डाइनिंग, किचन और चार बेडरूम अवेलेबल थे। और आपको हर एक रूम से अलग व्यू देखने को मिलेगा। अभी मैं आ चुकी हूँ विला के गार्डन में, जहां से आप ब्यूटीफुल व्यू लवासा की देख सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं लवासा सिटी घूमने के लिए। रास्ते में आपको कई सारी कलरफुल बिल्डिंग्स और लग्जरी बंगले दिखाई देंगे। तो अब हम आ गए हैं गार्डन में, जो लेक के पास है, और छोटे बच्चों को खेलने के लिए कई सारी एक्टिविटीज है। तो अब हम आ गए हैं लवासा लेक के पास, जो टाउन हॉल सेंटर के पास है, और यहाँ से आपको लेक का पूरा व्यू भी दिखेगा। ये मैंने अपने ड्रोन से रिकॉर्ड किया हुआ शाम के टाइम का लेक का पूरा व्यू, जो बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है, जो आप देख सकते हो। यहाँ पर बहुत सारी वाटर एक्टिविटी भी अवेलेबल है, जिसका आपको अलग अलग से चार्जेस पे करना पड़ेगा। लवासा के टाउन हॉल सेंटर के पास आपको कई सारी कलरफुल बिल्डिंग देखने को मिलेगी, और पास में मार्केट भी है, जहां से आप शॉपिंग कर सकते हो। और यहां बहुत सारी रेस्टोरेंट भी है, जहां पे आप यहां का लोकल फूड भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे डबल राइडर बाइसिकल भी अवेलेबल है, जिसका आधे घंटे का कॉस्ट 100 रुपीस रहेगा। यहाँ पे आप टॉय ट्रेन का भी मजा ले सकते हैं। पूरे लवासा का व्यू बहुत ही ब्यूटीफुल दिखता है। लवासा में आपको ऐसे कई सारे रुके हुए प्रोजेक्ट दिखाई देंगे। ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे आप ये देखोगे। देख सकते हो कि शाम के टाइम विला के ओनर ने हमारे लिए बारबेक्यू प्रिपरेशन भी किया था, जिसमें पनीर और ऑल वेजिस थे। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट में उपमा, पोहा, मिसल पाव, ब्रेड बटर, चाय, कॉफी, दूध सब कुछ दिया था और हमारा अच्छे से ख्याल रखा था। ये मेरे ड्रोन से ली हुई पूरे लवासा की व्यू, जो मैंने विला से रिकॉर्ड किया था। तो थैंक यू गाइस, वीडियो यहाँ पे एंड होता है। वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ले जाऊंगी मुलसी, जो लवासा से 10 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे कई सारे अच्छे माउंटेन रिसोर्ट है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।